बात करते हैं फेस वॉश की यस फेस वॉश हमारा जो नॉर्मल फेस वॉश है इसमें हमने और ज्यादा जो है एनहेंसमेंट लेके आए हैं इसको बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने पीएच बैलेंस तो ये ऑलरेडी था इसको वापस पीएच बैलेंस नए कंटेंट्स के हिसाब से हमने किया है इसको मॉइस्चराइजेशन इफेक्ट दिया है और एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट दिया है आप देख सकते हो कि थ्रू आउट हमने जो है ये फॉलो किया है कि आपके स्किन के लिए एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज मॉइस्चराइजेशन प्रॉपर्टीज और स्किन एनहैंसमेंट प्रॉपर्टीज ये सारे हमने देने की कोशिश पूरी तरीके से की गई है और उसी के साथ साथ अगर हम लोग देखते हैं इसमें विटामिन ई e डाला है जिसके वजह से क्या होता है कि व्रिंकल्स जो डेवलप होते हैं स्किन नॉर्मली क्या है कि जब एजिंग करती है तो व्रिंकल्स आने लगते हैं जिसको हम लोग जुरिया कहते हैं ये आने लगती है ये क्यों होने लगती है ये साइन ऑफ एजिंग होता है तो इसको रिड्यूस करने के लिए हमने इसमें कोलाजन बूस्टर्स डाले हैं कोलाजन बूस्टर्स क्या करता है कोलाजन बूस्टर्स जो है आपके स्किन में में जो है यूथफुलनेस uh, रखने में हेल्प करता है इसके बाद विटामिन डाला है जो एंटी एक्ने का काम करता है एक्ने मतलब जो पिम्पल्स आना होता है इससे आपको बचा के रखता है मतलब स्किन जो है आपकी क्लीन एंड क्लियर रहती है और उसी के साथ साथ हाइड्रेटेड भी रहती है और इसी के साथ साथ इसमें हमने वीट प्रोटीन भी डाला है जो आपको एक स्मूथ इफेक्ट देता है मतलब जैसे आज के डेट में सब लोग फिल्टर्स लगा के मोबाइल पे फोटो लेते हैं तो आपको आगे से फिल्टर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी वाई बिकॉज नैचुरली जो है आपका स्किन जो है नरिश्ड एंड स्मूथ दिखेगा व्हाई बिकॉज ये जो कंटेंट्स इसमें डाले गए हैं ये आपको एक अंदर से जो कहते हैं ना अंदर से आपके स्किन को बेटर कर देगा बेहतर कर देगा और आपको बेस्ट रिजल्ट देगा और इसी के साथ साथ इसमें जाइफल का यूज किया है जाइफल क्या करता है आपके स्किन को रिज्यूवनेट करता है मतलब एक फीलिंग ऑफ फ्रेशनेस आ जाएगी आपको ये यूज करने के साथ साथ और एक अपलिफ्टिंग एजेंट है अपलिफ्टिंग मतलब आप देखते हो कि आज के डेट में बहुत सारे लोग जो है अपर मिडिल क्लास में ये जनरली होता है कि स्किन के बारे में बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं और बहुत ज्यादा जो है है स्किन स्किन स्पेशलिस्ट के पास विजिट देते हैं हैं उससे क्या क्या होता है? वो लोग करते रहते है? कि नॉर्मली uh, को जो कहते हैं ना कि सर्जरीज uh, के लिए जाते हैं पी आर पी थेरेपीज के लिए जाते हैं या फिर फेस अपलिफ्टमेंट के लिए जाते हैं आईब्रो अपलिफ्टमेंट के लिए जाते हैं लिप अपलिफ्टमेंट के लिए जाते हैं इसका मतलब क्या है कि नॉर्मली जो है ना स्किन uh, जब एज होती है वो ड्रूप करने लगती है मतलब नीचे होने लगता है आपके फीचर्स तो इसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं नॉर्मली इंजेक्शन का सहारा ले जाते हैं जिसको आप कहते हैं फिलर्स यूज करते हैं तो ये सब करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे फेस वॉश है जो काफी अफोर्डेबल है यू कैन सी टू ट्वेंटी रुपीज में हंड्रेड ग्राम्स मिल रहा है जिसमें ये